नमस्कार दोस्तों मेरा जी नमस्ते आज हम रिएक्ट करने वाले मेजर गौरव के वीडियो के ऊपर इसका टाइटल रहने वाला है पाकिस्तान पी एम एल एन ट्रिपल पी रेडी टू कॉलेशन गवर्नमेंट ऑन बिग डील फॉर पी एम सी एम पोस्ट देखा था वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है भाई क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई नेता चुन के नहीं आया जबकि इतना टाइम हो चुका है इलेक्शन हुए हुए तो फाइनली भाई कुछ ना कुछ रिप्लाई देखने को मिलने वाला है और बाकी मेरे बारे सर जो है आजकल जियो पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो ज्यादा बनाते हैं तो काफी मजा आता है देखने में इनका खासकर देखा जाए तो पाकिस्तान के रिलेटेड थोड़ी ज्यादा रहती है इनकी तो देखने में काफी अच्छा लगता है और बाकी नॉलेज मिल जाती है तो मजा आता देखने में तो देखते हैं किस तरह वीडियो किसने से अपनी और आप देख रहे हैं दोस्तों आखिरकार कल पाकिस्तान में सरकार बनने का कम से कम एक आइडिया लग गया अगर सरकार ना भी बने हो दो पार्टीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ वाली पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन इन दोनों के बीच में गठजोड़ हो गया है और अब ये बनाएंगे सरकार बीच में कह रहे थे कि सुन्ने इतिहाद काउंसिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है फलाना ढिमका अच्छा फिर बीच में इसमें अपने डीजल बाबा भी आ गए डीजल, डीजल, डीजल बाबा कौन है मौलाना फजल रहमान जमातुल्लम इस्लामी पाकिस्तान उसके सरबरा, उसके हेड उसके चेयरमैन वो बीच में कूद गए मौलाना फजल रहमान कह रहे मैं भी आऊँगा पी एम ने बोल दिया कि भाई साहब आपने बहुत देर कर दी यानी कि नवाज शरीफ को बोल दिया मौलाना आपने बहुत देर कर दी है अब तो हमारा मैटर सेटल हो गया है अब देखिए दोस्तों पुरानी कहावत है कि जब बकरा कटेगा तो बटेगा तो बकरा है इसमें पाकिस्तान बकरा कट चुका है मैं आपको आगे चलकर यह बताऊंगा कि कैसे बटा है किस किस की थाली पे क्या क्या परोसा जाएगा और यह किस तरीके से पाकिस्तान को खाएंगे दोस्ते, दोस्ते। अच्छा दोस्ते। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पाकिस्तानी आर्मी ने यह इंश्योर करा है यह जो पीडीएम टू है पहले वाली पीडीएम थी ना पहली वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पी पहली वाली जो जिसमें ये ये दर्जन भर पार्टीज थी इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई थी शहबाज शरीफ जिसका हेड था और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी बना था शहबाज शरीफ या दैट वॉज पी डी एम उसके बाद अनवारकड़ साहब आए जो कि इनके टेम्प्रेरी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे अब दोबारा पाकिस्तान उसी रस्ते पर जा रहा है पी वाले यानी कि आप मान के चलिए कि पाँच साल तो मुश्किल है यार पांच साल तो कोई इनका प्रधानमंत्री नहीं रहा लेकिन अगर पांच साल ये सरकार चल जाती है ऑफ 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 चेंज चेंज प्राइम मिनिस्टर हो सकता है दो ढाई साल ये शहबाज शरीफ को बनाए दो ढाई साल बाद किसी और को बोल ये भी डील हो सकती है ना कि बिल्लो रानी को बोलना बिलावल भुट्टो को कि बिल्लो तू बन जा ये भी हो सकता है तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में कहने वाली बात यह है कि अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में थी वही कंटिन्यू कर रही है क्योंकि यही फौज के मफाद में है फौज के फेवर में है मैं आपको समझाता हूं कैसे फिर मैं बताऊंगा जो बकरा कटा बटा जो मैंने बोला था ना वो कैसे कैसे किस किस, किस को क्या क्या मिला है वो मेरे नोट्स में है रिसर्च टीम ने बहुत धांसू और बहुत बढ़िया रिसर्च करी आपको मज़ा आएगा लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा क्यों है पाकिस्तान में एनालिसिस ये है कि अगर कमजोर पार्टीज रहती हैं अगर गठबंधन की और गठजोड़ की सरकार रहती है तो एक दूसरे पर शक करेंगे पहली चीज एक दूसरे से लड़ेंगे दूसरी बात किसी का टेंडर किसी का कॉन्ट्रैक्ट इस पर इनकी कुत्ते बिल्ले वाली और सांप नेले वाली लड़ाई होगी तीसरी बात चौथी बात जब ये तीनों बातें मिक्स करते हैं तो पाकिस्तानी फौज के लिए बड़ा आसान हो जाता है दोस्तों इसको कंट्रोल कर रहा अगर कोई एब्सोलूट मेजोरिटी वाला बैठा मानिए पाकिस्तान में मेंजोरिटी आ गई किसी की एबसोलूट मेजॉरिटी आ गई उसकी वो राजा बन के बैठा है एक प्राइम मिनिस्टर जिसको लोग बड़ा पसंद करते हैं उसकी खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकार है उसकी सिंध में उसकी बलोचिस्तान में उसकी पंजाब में हर जगह उसकी सरकार है और एबसोलूट मेजोरिटी लेके बैठा हुआ है फिर फौज को दिक्कत होगी कि उससे लड़ें कैसे लड़ें। लड़ फौज फिर भी लेगी ऐसी बात नहीं है जब नवाज शरीफ को लात मारी थी उसके पास भी एबसोट मेजारिटी थी पहली बार लात मारी थी लेकिन पाकिस्तान में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं पाकिस्तानी फौज ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक बहुत जरूरी अहम एक सबक सीखा है दोस्तों वो सबक है क्या वो सबक ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एब्सोलूट मेजोरिटी में आने ही नहीं देना आने ही नहीं देना इनको लंगड़ाते लंगड़ाते चलते रहे धीरे धीरे तो पाकिस्तान जो, जो है कभी दौड़ ना पाए पाकिस्तान अपनी अपने पैरों पे पाकिस्तान खड़ा ना हो पाए जब भी पाकिस्तानी आवाम जब भी पाकिस्तानी आवाम कुछ एक्सपेक्टेशन रखे अपने हुक्मरानों से तो ये देखे कि वो कमज़ोर हैं और फौज आके उनकी मदद कर रही है यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलेगी ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेगी लेकिन वो भाई लंगड़ा लंगड़ा के चलेगी वास्तव फिल्म का डेढ़ फुटिया याद है आपको कैरेक्टर वास्तव फिल्म का डेढ़ फुटिया ये जो पी डीएम टू है पी डी एम वन भी ये वास्तव फिल्म का डेढ़ फुटिया है ऐसे एक, एक एक करके दिस द तो पाकिस्तानी आर्मी इंश्योर्स अब वो बकरा कटेगा बटेगा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए दोस्तों ऐसा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी वाली पार्टी उसको मिलेगा प्रेसिडेंसी यानी कि राष्ट्रपति उनकी पार्टी का होगा तो आप ये समझ लीजिए ये तो बनेगा नहीं राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति बनेगा इसका बाप जरदारी जहां तक मुझे समझ में आ रहा हो सकता कोई और कैंडिडेट भी हो लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है आपने एक बात देखी पूरे चुनाव प्रक्रिया में जरदारी कहीं सामने नहीं आया जरदारी चुप ये पाकिस्तान का सबसे तेज पॉलिटिशियन है मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा जरदारी के ऊपर अगर पाकिस्तान में कोई सियासतदान है ये इमरान खान तो बच्चे हैं इसके सामने इमरान खान शहबाज शरीफ नवाज शरीफ असल में कोई अगर पॉलिटिशियन है तो वो आसिफ अली जरदारी है खैर पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी प्रेजिडेंसी सेनेट चेयरमैन पंजाब गवर्नर के पी गवर्नर यानी खैबर पख्तूनखा गवर्नर बलोचिस्तान चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली और इसमें पी को सपोर्ट मिलेगा फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन सेंटर एंड पंजाब नवाज शरीफ पार्टी विल ऑल्सो वोट फॉर पीपीपीज नॉमिनी फॉर द सीएम ऑफिस अब देख लो भैया ये तो पीपीपी पी को मिलना है यानी कि इसके एवज में हम आपको तो प्रेसिडेंट बनने देंगे हम आपको सेनेट चेयरमैन बनने देंगे हम आपको पंजाब गवर्नर केपी गवर्नर हम आपको बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली बनने देंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे सेंटर में सरकार बनाने ये डील हुई है अब नवाज शरीफ को क्या मिलेगा उसकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पी एम एल एन ठीक है नून लीग प्रधानमंत्री पीएमएलए का बनेगा यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये मैं गैस कर रहा हूं ठीक है ये मैं गैस कर रहा हूं ऑल प्रोबेबिलिटी जो पी एम बनेगा वो शहबाज शरीफ बनेगा अभी तक जो लग रहा है थे? पंजाब सीएम पंजाब सीएम कौन बनेगी नवाज शरीफ की बेटी ये मेरा अनुमान है स्पीकर नेशनल असेंबली विल गेट टू नॉमिनेट गवर्नर फॉर सिंध एंड बलोचि सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर तो यह सब इन्होंने आपस में बांट लिया है अब दोस्तों शतरंज की जो बिजात है ना वो सेट हो गई है अब पाकिस्तान में वही चलेगा हम लोग अंग्रेजी में इसको स्टेटस को बोलते हैं स्टेटस को यानी कि जो चल रहा है उसको मेंटेन करते चलो उसमें कोई चेंज ना आपने देख लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या क्या मिलना है आपने ये देख लिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या मिलना है राइट दोनों ने पाकिस्तान को बांट लिया एक ने पाकिस्तान के हाथ ले लिए एक ने पाकिस्तान का पैर ले लिया किसी ने सर धड़ ले लिया पाकिस्तान का किसी ने पेट ले लिया किसी ने गुर्दा कलेजी फेफड़े ये सब दिल वगैरह दिमाग दिमाग तो है नहीं ये सब चीज़ें और दिल भी नहीं है ये सब चीज़ें आपस में बांट ली बांट ली अब ये लोग अपनी एक सरकार बनाएंगे जिसको फौज चलाएगी कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं मेजर साहब यार ये यहाँ पे ना मार्शल लॉ लग जाएगा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा मैं मार्शल लॉ लग चुका है भाई तुम लोग किस तो गलत फिल्म में जिंदा हो मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग चुका है अब मैं बताता हूं कैसे लग चुका है इस प्रकार से लग चुका है दोस्तों कि ये कोई डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते मैंने आपको बताया ना ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन दम और ये हर समय आर्मी का इनको बैकिंग चाहिए होगी हर चीज करने के लिए और इस तरीके से आर्मी कंट्रोल करेगी आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है जो बैलेट चोरी हुआ है जो बैलेट बॉक्सेस में बैलेट निकाल के उनको फाड़ के फ्रेश बैलेट को ठप्पे मार के इन लोगों ने अंदर डाला है और सरकारें बनाई हैं सरकारें बदली हैं ये करवाया किसने ये चीज़ तो होने क्योंकि वो, सेंटर में है, सेंटर में तो कैरटेकर गवर्नमेंट थी अनमारो लक्का कड़की वो प्रधानमंत्री था उसका तो कोई गेम है ही नहीं इसमें भाई वो तो कैरटेकर है ना वो तो कुछ समय के लिए आया नब्बे दिन के लिए आया वो नब्बे दिन का डबल रह चुका है वो अलग बात है लेकिन आज की तारीख में जो पाकिस्तान का संविधान है वही कहता है कि जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर उसका एक ही काम है और वो है चुनाव करवाना जैसे भी थे उसने चुनाव करवा दिए नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप भैया यही है कि इन लोगों ने जो फिक्सिंग करवाई है ऑल ऑफ देम विल बी बिहोल्ड डन ये थैंक यू किसको बोलेंगे अब दोस्तों जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान को थैंक यू किसको बोलेगा सोचो जरा वो थैंक यू उसको बोलेगा जिसने उसको बनाया है और उसको बनाया किसने है? वो जिसने धांधली करी है जिसने बैलेट बॉक्सेस के अंदर पुराने बैलेट निकाल के फाड़े और नए वाले बैलेट्स पे ठप्पे लगवाए हैं उसको थैंक यू बोलेगा वो है कौन दोस्तों वो है पाकिस्तान की फौज तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ एक तरीके से लग चुका है फौजी वर्दी वाला प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस या प्रेजिडेंट हाउस में नहीं बैठा है जाहिर सी बात है वो वहां पर नहीं बैठा है लेकिन कंट्रोल सारा का सारा आर्मी चीफ ही कर रहा है तो ये चुनाव जीता किसने ये चुनाव न जरदारी ने जीता ना भुट्टो ने जीता ना नवाज शरीफ ने जीता ना इमरान खान ने जीता ये चुनाव जीता है जनरल आसिम आसिमोने जो अमित में चुनाव भाई आर्मी जीता। ने जीता है किसी पोलिटिकल पार्टी ने जीता भैया आर्मी ने जीता जो अगर हर बार जीतती जाती है आज तक पांच साल आज तक कोई सरकार पांच साल नहीं टिकी क्यों नहीं टिकी भाई जीत नहीं देती वो गवर्नमेंट वहां की आर्मी चाहती ही नहीं है स्टार्टिंग टाइम में ना ये जनता को इतना खा जाते हैं इतना लूट लेते हैं ना कि लास्ट तक ना इनको पता चल जाता है कि हमने क्या कर रखा है इन्होंने जिंदगी नरक कर रखी होती है लोगों फिर ये सोचते हैं कि चलो अब काम करते हैं हम ना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं अब जनता को बताते हैं जनता को तो किस तरह करेंगे लेकिन उसी चक्कर में अपनी अपनी पोजिशन को पो होल्ड करने के चक्कर में इन्होंने ऐसी की तैसी मार लेते हैं अपनी क्योंकि देखो आर्मी के ऊपर नाम आ, नाम तो आता नहीं किसके ऊपर नाम आएगा इनके ऊपर नाम आएगा और कोई भी होने ऊपर क्या बुरा नाम लेना चाहता नहीं है तो वो भग देते हैं फिर आर्मी आती है अपने औकात दिखाने पे आती है फिर इनको ऐसी की तैसी मार देती है जिस तरीके से इमरान खान की मारती है इस तरीके से जिस तरीके से भाई पिछली पार्टियां रही हैं उनकी भी ऐसी ऐसी मार रखी है आर्मी ने आज तक कोई कोई भी पोलिटिकल पार्टी इनकी सर पूरी नहीं कर पाई इसका तो कारण ही है ये भैया ये तुम कभी भी आजाद थे ही नहीं अब देखा जाए तो ये लोग हमेशा क्या रहा है पहले मुगलों के थे गुलाम थे फिर अंग्रेजों के बने आज अपने आर्मी के गुलाम बने निकल ही नहीं पाया उस चीज़ से पता नहीं इन्होंने आज़ादी लेकर के बंटवारा करके पता नहीं क्या ही क्या ही करा इन लोगों ने लेकिन इनकी ऐसी की तैसी हमेशा रही तो यही चीज़ होता है भैया जब जब तक डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी है इनकी कंट्री में कुछ भी वोटिंग होती है और वोटिंग में भी इनके ऊपर कुछ भी नहीं है तो भाई इनके यहाँ की जो चीज़ जस्टिस जो है उनके बारे में क्या बोलते हैं तो मेजर सर ने बताया कि यहाँ पे किस तरीके से उनकी ऐसी गैसी मार रखी है भाई नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों ने कपड़े तो तक फाड़ रखे हैं उसके चीफ जस्टिस के इतनी बड़ी बात है पता ऐसी मतलब क्या ही इन क्या वैल्यू सरकारी लोगों की आर्मी की है जो चीज़ें वरना कुछ भी चीज़ नहीं है पता आखिर में क्या हुआ गठबंधन हो गया गठबंधन हो गया इमरान तो खान का कुछ भी इमरान खान का कुछ भी नहीं था और वाकई में आर्मी कंट्रोल करेगी इसको इन्होंने बांट लिए वाकई में गुड़ दे कर ले हाथ पैर अलग अलग ले लिए अब सबको जब अब सबको खाएंगे बैठ के और जनता फिसेगी जनता को मिलेगा कुछ भी नहीं ये चीज होगा और जहाँ तक मुझे लगता है भाई इमरान खान के सपोर्टर जो थे जिन्होंने अच्छी खादी बहुमत दी थी वो लोग पक्का बिड़ेंगे गारंटी लगा लेना मेरे से वो सीन होगा जरूर उसके अंदर मार्शल लॉ तो क्या तो लगा ही दिया है बाकी इनके अंदर जिस तरीके से बताते हैं ना कुछ नहीं हो सकता और जहाँ तक जनता के भी वो नहीं समझ सकते गलती लेकिन उनकी चलती नहीं है कुछ भी जब वो बड़े बड़े नेताओं पे नहीं चलती है इन्होंने इनको ऐसी पहुंच ऐसी दिला रखी हर चीज आर्मी के अंडर में कमाने का जरिया वही तो बात है ना सब कुछ चीज उनके आगे उन्होंने तो अपने हिसाब से तो वोट किसी को दिया होगा ना सही बंदे को जो जीत गया है लेकिन उसने क्या करा पुराने वैलेट सारे भार के फेंक दिए वैलेट छाप के तो तो, जनता की क्या गलती है ना इनकी हम मीडिया बात करता है उस बारे में ठीक है ना इनकी जनता बात करती है जनता को ये बोल देते हैं कि हम कश्मीर लेंगे इंडिया को तबाह कर देंगे तो बड़ी खुश हो जाते हैं तो, तो जनता की जनता की गलती है कि नहीं चीज की जय श्री राम